चाईबासा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने नक्सल प्रभावित टोकलो थाना क्षेत्र से 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन की बी टीम के नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 4 मार्च को भाकपा माओवादी संगठन की बी टीम ने ही पुलिस पर पाइप बम से हमला कर दिया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। दिनांक 4/3/2021 को टोकलो थाना अंतर्गत लांजी पहाड़ पर पुलिस अभियान के लिए जा रही थी। उस दौरान घात लगाकर उग्रवादियों के द्वारा लैंडमाइंस विस्फोट किया गया था। पाइप बम विस्फोट में जो क्लेमोर पाइप बम था, उसके विस्फोट में 3 झारखंड जगुआर के जवान शहीद हुए थे और बाकी 3 घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस इसको चैलेंज के रूप में इस घटना को लिया था और इस घटना में शामिल उग्रवादियों की पहचान के लिए पुलिस लगातार एसपी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा था। टेक्निकल अनुसंधान और अन्य आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल सबसे पहले एक रामराई हांसदा, जो टोकलो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पुलिस गहराई से पूछताछ की। पूछताछ करने पर इस घटना में शामिल कई लोगों के नाम आए। इस घटना में शामिल लगभग 10 अभियुक्त। जमशेदपुर में जाली नोट का धंधा करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से काफी संख्या में नोट बरामद भी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जुगल सलाई थाना क्षेत्र में जाली नोट चलाने के दौरान युवक को एक दुकानदार ने पकड़ा, जिसके बाद उसे जुगसलाई थाना की पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ में जानकारी मिली कि वह मानगो गुलाब बाग में रहता है। पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी की। इस दौरान आरोपी के घर से नोट छापने वाला प्रिंटर, करेंसी के कागज समेत अन्य सामान भी बरामद हुए। दुकानदार के द्वारा सूचना मिला था, किसी बंदे ने आके 50 रुपया के लिए कुछ फल मांगा और 500 का करेंसी दिया, बाकी पैसा मांग रहा था। फल दुकानदार को थोड़ा सा लगा कि इसमें कुछ नोट में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने तुरंत उनसे पूछने लगा कि कुछ डाउट हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो बातें होने लगी, तो उसमें हम लोग को पुलिस के जवान का जो जा रहे थे उनको पता चला। वो जैसे ही जाके पूछताछ करने तो बगल में गए, तो जो अभियुक्त है उनके द्वारा वो जो करेंसी नोट है उसको तुरंत फाड़ के नीचे गिरा दिया, तो संदिग्ध और ज़्यादा हो गया। तो फिर उनको हम लोग थाना लेके आके पूछताछ किए। पूछताछ के उपरांत उनके जो अपना गुलाब बाग है फेज 2, उसी में घर में जाके अपने पुलिस टीम ने छापेमारी की, तो वहाँ पर हम लोगों को जो है बहुत सारा नकली करेंसी। पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव शंकर जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से। शिव शंकर, पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है जो जाली नोट छापता था, उस पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई और क्या उसके साथ कोई और भी इस धंधे में शामिल था क्या? जी, अब तक जो पुलिस जांच के अनुसार अफताब अहमद ही अकेला इस नोट को छापता था और ये भाड़े पे रहता था यहाँ पे गुलाब बाग फेज 2 में, और ये खुद ही इसका जो है कि मार्केट में चलाया करता था नोट। जी, तो फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं इस मामले में? पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि लगातार सूचना मिल रही थी पुलिस को कि मानगो और जुगसलाई के आसपास के क्षेत्रों में जाली नोट काफी मात्रा में चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा एक दुकानदार को जब ये अफ्ताब अहमद द्वारा दिया गया था नोट, तो वो जाली होने का शक जाहिर किया, जिसके बाद अफ्ताब अहमद द्वारा नोट को फाड़े जाने के बाद ये शक गहरा गया, जिसके बाद दुकानदार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और अफ्ताब अहमद को गिरफ्तार किया गया। अफ्ताब अहमद को गिरफ्तारी के बाद उसके घर में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान कंप्यूटर, प्रिंटर और साथ में ये शख्स इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मैरिज सर्टिफिकेट आदि कई तरह के दस्तावेज नकली छापा करता था। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवशंकर। तो युवा फिर से बता दें, ये पूरा मामला जमशेदपुर का है, जहां जाली नोट छापने वाले युवक को पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के धंडिया हाई स्कूल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है, जिसका इलाज कोइलवर PHC में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक चांदी अपने बहनोई के साथ परीक्षा देने जा रहा था कि इसी दौरान यह हादसा हो गया।
वहीं ये घटना होते ही ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक की तलाश में जुट गई है। मोटरसाइकिल से जा रहे थे पटना, अच्छा, परीक्षा देने के लिए। इसी दौरान में ट्रैक्टर वाला मार दिया था। कहाँ पर हुआ है? अंडिया में। और ये परीक्षा देने कहाँ जा रहे थे? पटना गांधी मैदान। अकेले थे या कोई और भी था? लड़का अपने जीजा के साथ जा रहा था। ठंडिया हाई स्कूल मिडिल स्कूल था। किस गाड़ी से हुआ है? ट्रैक्टर से। कितने लोग थे बाइक पे? दो आदमी। मौत किसकी हुई? एक आदमी लौकुश के। अच्छा। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर चौक पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे महादलित परिवार से पुलिस ने मारपीट की है। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि धरना देने के दौरान पुलिस मारपीट कर रहे थे और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पीड़ित परिवार अपने जमीन पर घर बना रहे थे, इसी दौरान कुछ दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने थाने में आवेदन दिया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार जिलाधिकारी से आदेश लेकर धरना पर बैठ गया। जमीन का मैटर है, ठीक है, हमला टाइटल में केस किया हुआ है। पार्टी आके घर बनाता है, पैसा उधल देता है, घर बनाता है, हम लोग को बोलते हैं तो हम लोग को थाना में बंद कर देता है, मारपीट करता है। थाना प्रभारी बोल रहा है कि तुम किसी आदेश से लिए, तो हम बोले कि हम डीएम के आदेश से हम यहाँ धरना पर बैठे हुए। तो दिन में एक भी नहीं आता सर, रात को आता, रात को परेशान करने लगता, जब कोई नहीं रहता तब रात, और पूरे घेर के तब मारपीट किया हम सब के साथ। इसको तो घिसिया घिसिया के बारह सौ। कौन है आपकी? ये मेरी माँ है। अच्छा, मारा है? हाँ सर, बहुत मारा है। कितना दिन से धरना दिए? 10 दिन से सर धरना पे बैठे हुए, कार्रवाई नहीं किया कोई कार्रवाई नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहरसा से हमारे संवाददाता सरफराज जुड़ चुके हैं। सरफराज, पुलिस की मिलीभगत इस मामले में कही जा रही है और जिन पीड़ितों को पीटा गया है दबंगों के साथ उसमें पुलिस की भी संलिप्तता है, क्या कुछ बात सामने निकल कर आ रही है अभी सरफराज? जी सर, देखिए ये मामला जो है सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक चौक की है, जहां 10 दिनों से जो है अपनी विभिन्न मांगों जमीनी संबंधित मामलों को लेकर ये लोग धरना दे रहे थे और बीते देर रात जो है पुलिस की दबंगई वहां पे देखने को मिली, जहां भारी संख्या में पुलिस बल सहित सिमरी बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष वहां धरना स्थल पर जाकर जो है इनके प्रदर्शनकारियों के साथ जो है मारपीट किया और बदसलूकी की, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो है वो काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी जी, तो फिलहाल क्या कुछ मामला वहां पे सामने आ रहा है, क्या जिनको पीटा गया है उनकी हालत कैसी है और जिन पुलिस की इसमें संलिप्तता है क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई है? देखिए अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस मामले में। जब सिमरी बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया के सामने कुछ कहने से बोलने से जो है वो इनकार कर रहे हैं, कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझ रहे, हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज। तो एक बार फिर से बता दें, सहरसा में धरने के दौरान जब वो पीड़ित परिवार जब बैठ के धरना दे रहा था, इस दौरान दबंगों के साथ मिलकर पुलिस भी इसमें संलिप्त था और ये मारपीट की गई है, लेकिन फिलहाल अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और साथ ही साथ पुलिस की ओर से भी कोई बयान सामने निकल कर नहीं आ रहा है। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित रानी घाट में डॉग स्क्वाड टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल डॉग स्क्वाड टीम ने खेत में छुपाकर रखे हुए 100 लीटर शराब को जब्त किया है। वहीं एसडीपीओ ने डॉग स्क्वाड टीम की सराहना भी की है। कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा थाना में रानी घाट है, जो टाउन से सटा हुआ ही है लेकिन इंटीरियर है, नदी के उस साइड है, तो वहाँ का पहले भी छापमारी हुई थी, कई बार छापमारी, उसी में कल हमारे आईजी साहब के यहाँ जो डॉग स्क्वाड है उसके माध्यम से शराब की लगभग 100 लीटर बरामदगी हुई है और उसमें 2 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, पहले भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो शराब बंदी को लेकर सरकार काफ़ी कृतसंकल्प है और उसी के तहत हम लोग उनके निर्देशानुसार। और अगली खबर भी कटिहार से, जहाँ कोढ़ा थाना क्षेत्र के स्थित खैरिया पंचायत में आपसी रंजिश में एक युवक ने अपने पड़ोस के युवक को गोली मार दी। घायल युवक का कहना है कि वह अपने मौसेरे भाई के जन्मदिन के लिए केक लेकर लौट रहा था, इस दौरान पड़ोस के एक युवक ने उसे गोली मार दी। फिलहाल घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में जारी है।
हम लोग केक लेके जा रहे थे, मौसी का बेटा का बर्थडे था, लेके जा रहे थे, वो लोग उधर से आ रहा था, गाली गलौज करके गोली चला दिया था। एक गोली मेरे पे चलाया, तीन चार फायरिंग किया आगे। किस जगह की घटना है? घटना खेड़िया सदर टोला का। आरा के टाउन थाना क्षेत्र स्थित नगर मोहल्ले में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मार दी। आनन फानन में घायल दुकानदार को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और पीड़ित से घटना की जानकारी ली।